आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल पर हज एक फर्ज और मैं हूं आपके साथ फरीना खान। हर साल सऊदी अरब में गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब मुनाकिद की जाती है। ये तकरीब नमाज इशा के बाद करीब 5 घंटे तक जारी रहती है और इसे पूरी दुनिया में लोग बराह रास्त भी देख सकते हैं। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए कयाम करदा किस्वा कारखाने में 200 माहिरीन और मुंतजमीन काम करते हैं। इन तमाम लोगों का ताल्लुक सऊदी अरब से है और वो अपने शोबे के माहिर और आला तरबियत याफ्ता होते हैं। बता दें कि गिलाफ की तैयारी का काम 8 महीने में मुकम्मल होता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस गिलाफ को हर साल हज के मौके पर 9 ज़िलहिज्जा को तब्दील कर दिया जाता है। काबा की तमाम दीवारों और दरवाजे पर ये गिलाफ डाला जाता है। हज के मौके पर रिवायती गिलाफ को 3 मीटर ऊपर उठा दिया जाता है और नीचे की जगह को सफेद सूती कपड़े से ढक दिया जाता है। इसका मकसद किस्वा की सफाई बरकरार रखना और उसे फटने से बचाना है। माजी में ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं कि आजमी ने हज तबर्रुक के तौर पर उसका टुकड़ा काट कर ले जाते हैं। और एक जरूरी बात, शायद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि पुराने किस्वा का क्या किया जाता है। दरअसल पुराने गिलाफ को उतार कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और उसे सऊदी अरब के दौरा करने वाले मुसलमान रहनुमाओं और खास इदारों को बतौर तोहफे में पेश किया जाता है। इन्हीं तरह के वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जी सलाम डिजिटल।